नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। कोरोना महामारी ने अपने प्रकोप को चारों दिशाओं में फैला रखा है और यह प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें जिला गुरदासपुर की तो यहां से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आते दिखाई दे रहे हैं और जिले में कोरोना अब तक 8 लोगों को मौत की नींद भी सुला चुका है। जिले में यहां आम जनता में से कोरोना पॉजिटिव मामले निकल रहे हैं, वहीं सरकारी कर्मचारी भी कोरोना का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना ने सेहत विभाग और पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों को चपेट में लेकर जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, जिसके चलते सरकार की हिदायतों के अनुसार सेहत विभाग की तरफ से कोरोना टेस्ट करने में तेजी ला दी गई है। जिला गुरदासपुर में ब्लॉक स्तर पर 12 टीमें लगाई जा चुकी हैं, जो हर गांव, कस्बे, मोहल्ले और बाजारों में जाकर आम जनता और पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों के कोरोना टेस्ट लेती दिखाई दे रही है। जिले भर में इन टीमों के रोजाना 500 से लेकर 700 तक के सैंपल लिए जा रहे हैं और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि कोरोना का टेस्ट करवाना उनके लिए और उनके परिवार और समाज के लिए अत्यंत जरूरी है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। सैंपल लिए जा रहे, किसे किसे सैंपल लिए जा रहे? सैंपल जिसे पॉजिटिव मरीज आ रहे क्लस्टर सैंपलिंग कर रहे हैं। उस तो इलावा जितने जितने साढ़े आइसोलेशन सेंटर से मरीज है उन्होंने को जा जाके सैंपल कर रहे हैं। आप जो सारे को सिविल हॉस्पिटल बटाला आ रहे हैं, कोई बाहर तो आ रहा, कोई हॉस्पिटल दिखाना आ रहा, उन्हों की भी आप सैंपलिंग कर रहे हैं। एक दिन से लगभग 200-250 या 300 सैंपलिंग आप मिनिमम कर रहे हैं। कितना कितना कोई मुश्किल भी आती है कि जो कस्बे जाते हो या मोहल्ले जाते हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि अभी नहीं सैंपल देना, या उन्होंने इस तरह की कोई मुश्किल आती हो? काफ़ी लोग होंगे, पर उन्होंने आप अपने ढंग ना समझा के कोई भी एक तरीका होंगे, आप SMO साहब जिस तरह भी आकर उन्होंने कन्विंस करके आप सैंपल ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने भले लिया गया तो साढ़े भी भले है, सारे भले लिए गए।